प्लेन्स मेनली लैंड का फ्लैट एरिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स, जिनका फॉर्मेशन रिवर्स के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट से हुआ है। सेडिमेंट्स को बहाकर लाने वाली यहाँ की तीन मेन रिवर्स हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3,200 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इनकी एवरेज विड्थ है 150 टू 300 किलोमीटर। इन प्लेन्स के रिलीफ फीचर के बेसिस पर इन्हें नॉर्थ टू साउथ थ्री मेजर जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये तीन मेजर जोन्स हैं भाबर, तराई और एल्यूवियल प्लेन्स। इन एल्यूवियल प्लेन्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है खादर और भांगर में, बट हम अक्सर भाबर, तराई, खादर और भांगर जैसे टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं फोर टर्म्स को डिटेल से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं हिमालय की रिवर जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस से गुजरते हुए ये रिवर्स अपने साथ कैरी करती हैं बहुत सारा सेडिमेंट जैसे कि कंकड़, पत्थर या बड़े बड़े बोल्डर्स, सैंड और सिल्ट भी। पहाड़ों पर इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे ये कटाव का काम करती हैं, पर जैसे जैसे ये शिवालिक रेंजेस के फुट पर पहुँचती हैं ये शुरू करती हैं डिपोजिशन मीन्स जमाव का काम और बनाती हैं सबसे पहले भाबर बेल्ट। भाबर ये वो एरिया है जो शिवालिक रेंजेस के फॉथिल्स में 8 to 16 किलोमीटर के बड़े बड़े बोल्डर यानी पत्थरों की नैरो बेल्ट से बनता है। जम्मू कश्मीर में इस एरिया की विड्थ है 16 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 8 किलोमीटर। रिवर्स अपने साथ जितने भी पत्थर या चट्टाने अपने साथ बहाकर लाती हैं उन्हें शिवालिक के फॉथिल्स पर डिपॉजिट कर देती हैं, जिस वजह से रिवर्स इन बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे से बहना शुरू कर देती हैं और नदी इस एरिया में डिसअपेयर मीन्स दिखाई देना बंद हो जाती है। इसी भाबर बेल्ट के साउथ में है तराई बेल्ट या तराई रीजन जिसकी विड्थ है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 किलोमीटर। ये वो रीजन है जहाँ रिवर्स दोबारा री इमर्ज मीन्स दोबारा दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भाबर बेल्ट में रिवर बड़े बड़े बोल्डर्स को ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुकी है। अब वो अपने साथ कैरी करती है सैंड, सिल्ट और डेब्रिस मीन्स छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। ये रीजन काफी वेट और स्वाम्पी मीन्स दलदली होता है, जिस वजह से यहाँ पर लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट एरियाज, वेजिटेशन और रिच वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ओवर द ईयर्स इस रीजन को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया। अब तराई बेल्ट के साउथ में है एल्यूवियल प्लेन्स जो मेनली ओल्ड और न्यू एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट से बने हैं, जिसे भांगर और खादर कहा जाता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? मानसून आने पर रिवर्स हर साल अपने कोर्स को बढ़ा लेती हैं, जैसे कि जून टू सितंबर बारिश होने पर रिवर्स का एरिया बढ़ जाता है। इस एरिया को कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। अब इस टाइम पर रिवर्स जो भी सेडिमेंट्स बहाकर लाती हैं वो अपने किनारों पर डिपॉजिट कर देती हैं। मॉनसून चले जाने के बाद रिवर्स दोबारा पतली सी स्ट्रीम में बहना शुरू कर देती हैं, पर डिपॉजिट अभी भी वही है। रिवर्स के इसी डिपॉजिट को कहा जाता है न्यू एल्यूवियल मीन्स खादर, जो हर साल रिन्यू होता है। ये न्यू एल्यूवियम काफी ज्यादा फर्टाइल होता है और इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए काफी आइडल भी होता है। जबकि भांगर वो सॉइल है जो रिवर्स बहुत साल पहले डिपॉजिट कर चुकी हैं, या कुछ साल बाद जब यही न्यू एल्यूवियल सॉइल दूसरी जगह शिफ्ट या ट्रांसपोर्ट हो जाएगी तो ये कहलाएगी ओल्ड एल्यूवियम मीन्स भांगर, क्योंकि अब ये पुरानी हो चुकी है। भांगर सॉइल न्यू एल्यूवियम के कंपैरिजन में कम फर्टाइल होती है और इसीलिए क्रॉप्स को ग्रो करते हुए हम इसमें ऐड करते हैं फर्टिलाइजर। होप आपको भाबर, तराई, खादर और भांगर जैसे टर्म समझ आए होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।